साल 1991 को इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस साल 24 जुलाई को इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुई थी और उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस पॉलिसी को नाम दिया गया LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्लान का हिस्सा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश करना, इंपोर्ट टैरिफ को कम करना, कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना और बिजनेस एंड इकोनॉमी को ग्लोबली एक्सपैंड करना। इंडिया की GDP ग्रोथ जो 1991 में सिर्फ 1.1% थी, वो अब इन 30 सालों में काफी ज्यादा हो गई है और कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में तो हमने इन्हें डबल डिजिट की ग्रोथ में भी देखा है। और इन सब की वजह से इंडिया को आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी कहा जाता है।